वेलकम बैक टू द चैनल। तो कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, तो आज का ये जो वीडियो है ये जो ट्रेडर्स है उनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स शेयर करने वाला हूँ जिसमें मैंने पोजीशन बनाने का सोचा है, जिसे मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया है। पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा है HDFC बैंक। तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये दोनों स्टॉक्स सिर्फ मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि ये आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर देगा। यानी कि अगर इस स्टॉक में आप सिर्फ एक क्वांटिटी में भी बाई करके सिर्फ अपना एक्सपीरियंस, जो नए स्विंग ट्रेडर्स है वो अगर एक्सपीरियंस के लिए भी एक स्टॉक भी बाई करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं लॉस के रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो है वो बहुत हाई है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये स्टॉक रिकमेंड करना चाहिए। लेकिन अगेन, ये सिर्फ एक एडुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं इन स्टॉक्स को ख़रीदने वाला हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी ख़रीदना पड़ेगा। आप खुद एनालिसिस कीजिए एंड फिर आप इस स्टॉक्स को ख़रीद सकते हैं। तो इसमें अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ तो वो कोई भी कुछ भी मेरी वजह से नहीं होगा, आपके एनालिसिस की वजह से होगा। मैं बस आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ। तो सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर हम वन डे चार्ट में देखें तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि मार्केट जब से ये यहाँ पे वन डे चार्ट पे जब से ये मार्केट साइडवेज जाना शुरू हुआ है, उसके बाद ये जो इसका लेवल था ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ओके, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ ये नीचे आया, फिर ये आया, फिर ये एक यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाया इसने। मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ, यहाँ पे इसने एक मोर और लेस हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाया है। एंड जैसे ही इसका ये नेक लाइन क्रॉस हुआ, यहाँ पे इसका SL डाल के हमें सेल करना चाहिए था, इसका डबल यानी कि लगभग यहाँ तक का हमारा टारगेट था। तो ये तो मैंने, क्योंकि अप ट्रेंड वाला स्टॉक है तो मैंने सेल नहीं किया इसको। लेकिन अगर हम अब इसे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेवल पे जहाँ पे ये बुल रन शुरू किया था, कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास ये आके फिर से एक बहुत ही बड़ा 80% बॉडी कैंडल बनाया है। एंड इसका वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत हाई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इतना बढ़िया बॉडी कैंडल बनाने के बाद और वो भी 200 डे के मूविंग एवरेज के पास, जो कि एक डायनामिक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, तो यहाँ पे इतना अच्छा एक ट्रेड हमें मिल रहा है। तो हमारा ट्रेड इनिशिएट कब होगा? हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा जब ये 2500 को क्रॉस करेगा। जैसे ये 2500 को क्रॉस करेगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 2300 होगा एंड हमारा टारगेट यहाँ पे ये हाई, ऑल टाइम हाई जो 2800 के आसपास है ये होगा। ओके, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस 2200 पॉइंट्स का, एंड यहाँ पे हमारा टारगेट जो है वो अगर यहाँ पे जब आएगा ऑल टाइम हाई के पास, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो यहाँ पे हम अपना 50% क्वांटिटी सेल कर देंगे। एंड उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हम होल्ड करते रहेंगे जब तक मार्केट ऊपर जाता रहेगा। ओके, ये हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। दूसरा जो स्टॉक है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक को अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक यहाँ पे आया, 200 डे का जो मूविंग एवरेज था यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया एंड उसके बाद इसने अप बुल रन शुरू किया, फिर ऊपर गया। फिर कुछ दिनों से इंडिया में ओमिक्रॉन वायरस का जो दो केस मिला उसकी वजह से हो, या फिर मार्केट का जो ईयर रन हो रहा था उसकी वजह से ये नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखेंगे, यहाँ पे ये एक हैमर कैंडल बनाया है, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इसी लेवल पे अगर मार्केट 1550 इस लेवल को
क्रॉस करके क्लोजिंग देख पाता है एक डेली कैंडल, एक फुल बॉडी कैंडल विथ वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? इस कैंडल के नीचे, ओके। एंड हमारा टारगेट होगा ये 1780 के आसपास, ओके। अब यहाँ पे हम इस लेवल पे बाई क्यों करेंगे? यहाँ के अगर हम 1 आवर का चार्ट मैं आप लोगों को दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 आवर चार्ट पे HDFC बैंक कंटिन्यूसली 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ओके। लेकिन अचानक से क्या हुआ, इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हायर लो बनाया, ये फिर से हायर लो बनाया, फिर से हायर लो बनाया, फिर से हायर लो बनाया, ये हायर लो और ये लोअर लो बनाता हुआ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने पहली बार एक हायर हाई बनाया है, और अगर ये 1550 के ऊपर जाता है तो इसका 200 डे का मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है वो भी टूट जाएगा। एंड यहाँ पे अगर ये एक इस लेवल पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट देता है तो हमें यहाँ तक एक अच्छा टारगेट मिलेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि मैंने ये दोनों स्टॉक्स क्यों चूज़ किया है। अगेन, ये सिर्फ एडुकेशनल पर्पज़ के लिए था। ट्रेड लेना या ना लेना आपके खुद के रिस्क पर होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।